नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरपीसी द्वारा आरएस एग्जाम के तहत किन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया करवाई जाती है, यानी कि अगर आप आरएस एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से पदों पर और किन किन डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति मिलती है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आप आरएस एग्ज़ाम की कंप्लीट गाइड प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आरएस एग्ज़ाम के तहत दो तरह की जो सर्विस होती है उनके लिए ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित करवाई जाती है। पहली आपकी होती है स्टेट सर्विसेज और दूसरी होती है सब ऑर्डिनेट सर्विसेज। अब बात करते हैं सबसे पहले आरपीसी आरएएस एंड स्टेट सर्विसेज की। तो इसमें सबसे उच्च पद की अगर बात करें, सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो है आरएएस की, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा। जिस तरीके से यूपीएससी एग्ज़ाम के तहत जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत आईएएस की पोस्ट होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, वैसे ही आरएएस एग्ज़ाम के द्वारा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आरएएस ऑफिसर की नियुक्ति होती है। अब बात करते हैं जो दूसरे नंबर की पोस्ट है वो है राजस्थान पुलिस सर्विस यानी आरपीएस जिसे आप कह सकते हैं। जहां यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आईपीएस की पोस्ट होती है, वैसे ही आरपीएससी के आरएएस एग्ज़ाम के तहत आरपीएस की पोस्ट होती है, राजस्थान पुलिस सर्विस की। इसके अलावा जो अन्य स्टेट सर्विसेज की पोस्ट है उनमें राजस्थान अकाउंट सर्विस, राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस, राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विस, राजस्थान कमर्शियल टैक्स सर्विस, राजस्थान प्लानिंग सर्विस, राजस्थान फर्टिलाइजर एंड सिविल सप्लाईज, राजस्थान वुमन डेवलपमेंट, राजस्थान एक्साइज जनरल, इसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस, राजस्थान जेल सर्विस, राजस्थान वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस, राजस्थान माइनॉरिटी सर्विस, राजस्थान एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स। दोस्तों ये साथ ही इनके डिपार्टमेंट्स भी शामिल कर दिए गए हैं जो कि आप आराम से समझ सकते हैं। इनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन सी पोस्ट है। अब बात करते हैं जो स्टेट सर्विसेज के अलावा जो पोस्ट होती है, यानी कि अगर आपकी कम रैंक रहती है, कम का मीनिंग यानी आपकी रैंक 1000 के आसपास रैंक रहती है, यानी 600 से लेके 1000 तक आपकी रैंक रहती है, या यूँ कहें 500 प्लस आपकी रैंक रहती है, तो आपको सब ऑर्डिनेट सर्विसेज की पोस्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्टेट सर्विसेज में जो बढ़िया रैंक लेके आते हैं यानी जिनकी रैंक 500 से कम रहती है उनको स्टेट सर्विसेज की पोस्ट मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज शामिल हैं, कौन कौन सी पोस्ट शामिल है। तो सबसे पहले है राजस्थान इंडस्ट्री सब ऑर्डिनेट सर्विस, इसके अलावा राजस्थान प्लानिंग सब ऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान एक्साइज सब ऑर्डिनेट सर्विस। सब ऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि इस सर्विस के तहत आपके ऊपर एक बॉडी होगी, यानी कि आपके ऊपर भी अधिकारी होंगे जिनके अंडर में आप काम करेंगे, यानी आप सब ऑर्डिनेट की तरह काम करेंगे। अब बात करते हैं आगे राजस्थान फर्टिलाइजर एंड सिविल सप्लाईज सब ऑर्डिनेट सर्विस। जैसे कि आपने स्टेट सर्विस में देखा कि ये लगभग वही सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता दें कि जैसे राजस्थान एक्साइज डिपार्टमेंट है जिसकी स्टेट सर्विस है, तो इसके अंतर्गत राजस्थान एक्साइज सब ऑर्डिनेट सर्विस भी है, यानी जो सब ऑर्डिनेट सर्विस के तहत जो आप जिस पद पर आप लगेंगे वो राजस्थान एक्साइज जो डिपार्टमेंट यानी जो स्टेट सर्विस की जो पोस्ट है उस अधिकारी के सब ऑर्डिनेट में यानी कि अंडर में आपको काम करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका बेसिक अंतर क्या है।
अब इसके बाद देखें, राजस्थान वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट होती है इसके अंतर्गत। तहसीलदार की जो पोस्ट होती है वो भी सबऑर्डिनेट सर्विस के अंतर्गत आती है, क्योंकि आपने देखा होगा तहसीलदार जो है वो आपके कलेक्टर और जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम और एडीएम, इनके सबऑर्डिनेट में काम करते हैं। इसी तरीके से राजस्थान टेंपल सबऑर्डिनेट सर्विस है, राजस्थान कमर्शियल टैक्स सबऑर्डिनेट सर्विस है, राजस्थान कोऑपरेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस। इसके अलावा जेल वेलफेयर ऑफिसर है, राजस्थान लेबर वेलफेयर सबऑर्डिनेट सर्विस है, राजस्थान प्रोग्राम ऑफिसर। तो ये सारी सबऑर्डिनेट की पोस्ट होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेट सर्विस क्या होती है, सबऑर्डिनेट सर्विस क्या होती है। बेसिक डिफरेंस यही है कि आप अच्छी रैंक लेके आते हो, यानी कि आपकी रैंक 500 से कम रहती है या 400 से कम रहती है तो आपको बढ़िया पोस्ट मिलती है, जैसे कि आरएस है, आरपीएस है, इसी तरीके से अकाउंट सर्विस है, इंडस्ट्री सर्विस की पोस्ट है। इसके अलावा अगर आपकी रैंक 500 से ज़्यादा रह जाती है, जिस तरीके से सिविल सर्विसेज यूपीएससी की जो सेंट्रल लेवल पर होती है उसमें अच्छी पोस्ट जिनकी आती है तो वो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस के लिए अप्लाई करते हैं। तो लगभग 180 तक आईएएस की पोस्ट मिलती है, उसके बाद आईपीएस की पोस्ट ही मिलती है, आईएएस की पोस्ट नहीं मिलती है। इसी तरीके से आईएफएस जो होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसमें भी कम रैंक पर ही आपको, यानी अच्छी रैंक पर आपको वो पोस्ट मिलती है। उसी तरीके से आरएस एग्ज़ाम के तहत अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलता है, पुलिस सर्विस मिलता है, इसके अलावा जो स्टेट सर्विस की जो पोस्ट है वो मिलती है। और अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, 500 प्लस है या उससे भी ज़्यादा है, तो आपको सबऑर्डिनेट सर्विस की पोस्ट मिलती है, जिसके अंतर्गत ये सारी पोस्ट आती हैं। और इन पोस्ट पर केवल आरएस एग्ज़ाम के तहत ही आपको नियुक्ति मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। अन्य भी बहुत सारे माध्यम हैं जिनके तहत आप इन पदों पर पहुंच सकते हैं, प्रमोशन के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है कि क्या आरएस ऑफिसर जो है वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है क्या प्रमोशन के द्वारा। तो बिल्कुल, एक आरएस ऑफिसर जो है वो आईएएस ऑफिसर के पद पर प्रमोट हो सकता है। और हर साल अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो लगभग जो 33% आईएएस की पोस्ट हैं वो स्टेट सर्विस की जो ऑफिसर होते हैं, स्टेट सर्विस की जो पोस्ट होती है उनके ही प्रमोशन से उनको भरा जाता है। बाकी की 66% जो आईएएस की जो पोस्ट होती हैं, आप यूँ कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्ट होती हैं, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के तहत भरी जाती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस और जो आपकी क्वेरीज रहती है वो यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे आरएस एग्ज़ाम को लेकर हो या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल की तरफ से आए वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। धन्यवाद।